संजय दत्त की सेहत को लेकर उनकी बीवी मान्यता दत्त ने तोड़ी चुप्पी। लोगों से कहा कि स्पेक्यूलेशंस और रूमर्स पर यकीन ना करें। फैंस से अपील की है कि वो संजू बाबा और परिवार के इस मुश्किल घड़ी में उनका साथ दे, दुआएं करे और प्यार बरसाते रहे। मान्यता ने स्टेटमेंट जारी कर बताया, मैं सभी को धन्यवाद देती हूँ जिन्होंने संजू के शीघ्र स्वस्थ होने के लिए शुभकामनाएं दी है। हमें इस चरण को पार करने के लिए पूरी ताकत और प्रार्थना की जरूरत है। हमारा परिवार बीते वर्षों में कई सारी कठिन परिस्थितियों से गुजरा है, लेकिन मुझे विश्वास है ये भी गुजर जाएगा। हालांकि ये संजू के प्रशंसकों से मेरे दिल से अनुरोध है कि वो अटकलें और अनुचित अफवाहों का शिकार ना हो, लेकिन सिर्फ उन्हें प्यार और समर्थन देने में मदद करे। संजू हमेशा एक फाइटर रहा है और इसी तरह से हमारा परिवार भी रहा है। आगे की चुनौतियों से उभरने के लिए भगवान ने हमें फिर से परीक्षण करने के लिए चुना है। हम सभी से आपकी प्रार्थना और आशीर्वाद चाहते हैं और हम जानते हैं कि हम हमेशा की तरह फिर से विजेता बनकर उभरेंगे। आइए हम इस अवसर का उपयोग प्रकाश और सकारात्मकता फैलाने के लिए करें। वेल रिपोर्ट्स के मुताबिक संजय दत्त को तीसरे स्टेज का लंग कैंसर है। रिपोर्ट्स में ये भी बताया जा रहा है कि संजय दत्त अपना इलाज अमेरिका में करवाएंगे। हालांकि ना ही संजय दत्त ने अपने कैंसर होने वाली बातों की पुष्टि की और अब उनकी बीवी मान्यता ने भी जारी किए हुए स्टेटमेंट में इसका जिक्र नहीं किया, लेकिन उनकी बातों से समझ आ गया है कि मामला सीरियस है और संजू बाबा एक कठिन समय से गुजर रहे हैं। आपकी और हम सबकी दुआएं उनके साथ है। उम्मीद करते हैं कि संजय दत्त जल्द ही एक सच्चे फाइटर की तरह अपने बीमारी को मात देकर घर लौटेंगे।